हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एस ए। और गाइस, आज है 4 तारीख और 4 तारीख को गाइस आना था फ्री फायर में अपडेट, यानी कि अभी अपडेट आ रहा है। और गाइस, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आप गेम को ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेम का मेंटेनेंस हो रहा होगा और सर्वर उसके डाउन रहेंगे। लेकिन गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपडेट में क्या क्या आने वाला है, सारी चीज़ें बता दूंगा गाइस कि क्या क्या आ रहा है अपडेट में। डायमंड रॉयल के बंडल, गोल्ड रॉयल के बंडल, जो भी चीज़ें हैं गाइस सब बता दूंगा, कैरेक्टर वैरेक्टर सब गाइस। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना गाइस, कमेंट में लिख के बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैलेंज अपना जरूर लिखना गाइस कमेंट में। आजकल गाइस आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो कमेंट भी करना गाइस याद से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो पहला अपडेट है गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड से रिलेटेड। गाइस, ट्रेनिंग ग्राउंड में एक और चीज़ नई ऐड हो रही है, जो है ग्रेनेड, जिसमें आप ग्रेनेड की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि ग्लू वॉल की प्रैक्टिस करने का भी एरिया था, वैसे ही गाइस यहाँ पे अब ग्रेनेड का भी एरिया आ गया है प्रैक्टिस करने का। उसी के साथ गाइस एक और नया मोड आ रहा है 1v1 का, जिसमें गाइस आप 1v1 गेम एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके लिए आपको कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें जाके 1v1 गेम खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस, साथ ही क्लैश क्वेड का नया सीज़न आ रहा है, सीज़न 8, जिसमें गाइस आपको गोल्ड 3rd पे पहुँचने पे आपको AN94 की गोल्डन स्किन भी मिलेगी, जो हमेशा अपन को गोल्डन की स्किन मिलती आ रही है, इस बार AN94 की मिलेगी। और गाइस, इस बार M4A1 की भी कोई चिप आ रही है, जिससे कि गाइस आप M4A1 को अपग्रेड कर सकते हो X, Y और Z में। उसी के साथ गाइस AR की मैगजीन, SMG के मज़ल और शॉटगन के मज़ल भी आ रहे हैं, जो पहले एक ही होते थे, अब गाइस डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग अटैचमेंट्स आ रहे हैं गाइस। तो ये भी देखने में मज़ा आएगा कि ये न्यू अटैचमेंट्स करते क्या हैं। उसी के साथ गाइस, नया अपडेट ये है कि अब जो M4A1 की चिप होगी, जिसको आप लगा के M4A1 को अपग्रेड कर सकते हो X, Y, Z में, वो गाइस आपको वेंडिंग मशीन से ही मिलेगी। और वेंडिंग मशीन गाइस आपको मैप में मिली जाती है, जिसके लिए आपको टोकन चाहिए FF, तो उन टोकन से आप वेंडिंग मशीन से M4A1 की चिप भी ले सकते हो। उसी के साथ गाइस, क्लैश क्वेड में एक नया फीचर आ रहा है, जिससे कि गाइस आपको जो भी गन चाहिए आप उसको रिक्वेस्ट करके अपने टीममेट से मांग सकते हो बिना माइक खोले। ये भी गाइस एक अच्छा फीचर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसी के साथ गाइस, हमेशा गरीना अपने पुराने कैरेक्टर्स में एडजस्टमेंट करता है, तो गाइस इस बार भी उसने 4 नए कैरेक्टर्स पे एडजस्टमेंट किया है, नए तो नहीं गाइस पुरानी है, जैसे कि जोटा, अल्बरो, शनी और लुकीटा, इनकी एबिलिटी को गाइस थोड़ा अपग्रेड किया है, जिससे कि ये लोग यूज़ में आए। उसी के साथ गनों के साथ भी कुछ छेड़छाड़ करी है गरीना ने हमेशा की तरह, उसमें जिसमें गनों को बूस्ट मिला है वो XM8, UZ, स्पास और वेक्टर, और जिनको टट्टी बना दिया गया है बिल्कुल, वो है हमारी फेवरेट अंडररेटेड गन ऑलवेज, जो है M187, उसको फिर से डाउन एज मिला है, और लगातार 4 अपडेट से उसको ऐसा ही हो रहा है बेचारी गन के साथ, और कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ भी छेड़छाड़ करी है गरीना ने। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या है। इसी के साथ गाइस, बात कर लेते हैं हमारे अपकमिंग डायमंड रॉयल बंडल के बारे में। तो गाइस, लीक निकल के आ रही है कि हमारा डायमंड रॉयल का बंडल हो सकता है मेल का। मुझे तो गाइस बंडल को ज़्यादा खास नहीं लगा, सिंपल सा ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ कि कैसा है ये बंडल। उसी गाइस में आपको फीमेल का बंडल भी बता देता हूँ, डायमंड रॉयल का कुछ ऐसा है इसी थीम पे बेस्ड होगा। मुझे भी गाइस फीमेल और मेल दोनों का बंडल को ज़्यादा खास नहीं लगा। ओके गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसी के साथ गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं हमारे गोल्ड रॉयल के बंडल के बारे में भी। तो गाइस, ये हमारा गोल्ड रॉयल का बंडल हो सकता है मेल का। तो गाइस, मेल का भी बंडल अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है बंडल। और गाइस, इसी के साथ मैं आपको फीमेल का भी दिखा देता हूँ कि जो गोल्ड रॉयल का बंडल हो सकता है, मतलब जो गोल्ड रॉयल में नहीं आएगा, एफएफ टोकन में आ सकता है, वो है ये। गाइस, बंडल तो बड़ा अच्छा लग रहा है फीमेल का, मेल का तो अच्छा नहीं है लेकिन फीमेल का बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आप बताना बंडल्स को लोगे एफएफ टोकन से या नहीं। तो गाइस, बात कर लेते हैं कि अब हमारी लॉबी के साथ क्या छेड़छाड़ करिए गरीना ने। तो आप देख सकते हो इन गेम गाइस ऐसा कुछ हो जाएगी हमारी लॉबी, और आपको गेम की लॉबी भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, ऐसा कुछ हो जाएगा कि याद है गाइस, ऐसा आपको 2nd एनिवर्सरी पे भी देखने को मिला था, जब हमारे गेम में डीजे आलोक आया था, उसी के थीम में गाइस कुछ ऐसा है। और गाइस, यहाँ पे भी वही जो दो नए कैरेक्टर आ रहे हैं वो हैं यहाँ पे, और वो लोग यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उसी के साथ हमारे गेम में गाइस दो नए कैरेक्टर आ रहे हैं, एक कैरेक्टर का नाम है गाइस डिमिट्री और एक का नाम है थेवा। आप इनकी एबिलिटी गाइस यहाँ पे देख सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना आराम से। और गाइस, उसकी बात करते हैं हमारे नए पेट के बारे में। तो हमारा नया पेट है गाइस कोई टाइगर नाम का, जो उसका नाम है सेंसाइट टिग। उसकी भी एबिलिटी गाइस नीचे लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हमारे गेम में अलाइट मोको भी आ रही है, मोको का अपग्रेडेड वर्जन भी आ रहा है। तो गाइस, इस अपडेट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसी के साथ बात कर लेते हैं नए गन के बारे में। तो गाइस, नई गन होने वाली है AC-80, जो कि गाइस एक मार्स मैन राइफल हो रही है, जो कि गाइस हमारे ड्रैगनोव SKS वुडपैकर टाइप है। और इसके साथ ही कुछ नई चीज़ आ रही है, इसका नाम है गाइस डिकॉय ग्रेनेड, ये भी गाइस कुछ नया आइटम है। तो यही हमारे गेम में अभी आ रहा है नया।
तो गाइस ये अभी वो मेन अपडेट्स हैं जो हमारे OB29 से निकल के आ रहे हैं। और भी गाइस अपडेट हैं गन से रिलेटेड, गन से स्किन से रिलेटेड, तो गाइस उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। अगर गाइस इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, गाइस लाइक का एम रखते हैं 20 लाइक्स। अगर 20 लाइक्स पूरे होते हैं तो गाइस मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं गन स्किन और सब चीज़ें बता दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक ले गाइस राधे राधे।